हेलो दोस्तों, अब सीजन आ गई। अगर अचार अचार ना बनाए तो सीजन में अगर अचार ना बनाए सीजन वाला अचार तो फिर क्या अचार बनाएं। तो चलो अचार बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या डालेंगे अचार में। अब सर्दी है तो सर्दी वाला अचार तो बनेगा। तो मैंने मूली ली हूँ 3, लेकिन पूरी मूली की नहीं बनाऊँगी। गाजर ली हूँ, गोभी ली हूँ। आप मटर डालना चाहते हैं मटर भी डाल सकते हो। मटर तो लाई थी मैंने, लेकिन वो फ्रीज में रख दी है इसलिए नहीं डाल रही हूँ। तो हरी मिर्ची ले ली हूँ, धो के सारा ले ली हूँ। अब इसको पहले छीलेंगे, छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद इसको काटेंगे, तब दिखाएंगे। और वीडियो कैसी लगती ज़रूर बताना कमेंट में। अच्छी थोड़ा भी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। अब पैसा थोड़ी लगता है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में, आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो दोस्तों। तो अब इसको काट देंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट के निकाल देंगे इसकी मुंडी और जड़। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से काट सकते हो। तो मैंने थोड़ा बड़ी बड़ी काटी हूँ, मोटी नहीं काटूँगी ज़्यादा। मोटी ज़्यादा काटने से गलेगी नहीं, इसलिए मोटी नहीं काटना है, थोड़ा पतली काटेंगे। अब इसको पूरा काट के फिर दिखाएं। गाजर भी मैंने उतनी बड़ी काट ली। अब गोभी ले ली हूँ, गोभी डंठल हटा दी हूँ। तो गोभी के जो मोटा मोटा थोड़ा होता है इसको निकाल देंगे, क्योंकि अचार में इसको नहीं डालेंगे। अब इसको हम इसमें से 2 टुकड़े 3 टुकड़े आप वैसे छोटा बड़ा रखना चाहते हो, लेकिन ये थोड़ा सूखने के बाद सिकुड़ जाएगा। मिर्ची के डंठल जो है तोड़ देंगे, इसको भी बीच से पूरा फाड़ लेंगे। इसको भी मैंने कपड़े से एकदम पोंछ के फिर रखी हूँ सुखवा के, लेकिन फिर भी धूप में सुखाएंगे। तो इसको निकाल लेते हैं, पूरा फाड़ लेंगे। उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ। पानी मेरा बॉयल हो रहा है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी जहाँ कलर अच्छा आ जाए, और थोड़ा नमक, थोड़ा सी हींग मैं साथ साथ में डाल दे रही हूँ पानी में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ी। सबसे पहले गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है पकने में। उसके बाद मूली डाल दीजिए, ज़्यादा 1 मिनट थोड़ा पक जाएगा। उसके बाद इसमें गोभी डालेंगे। अब डाल देंगे गोभी, गोभी में गल जाएगी जल्दी, इसलिए मैंने गोभी डाली। बस आधा मिनट पकाऊँगी, ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो सब्ज़ी बन जाएगी। अब लेंगे एक बर्तन, उस पर रखेंगे सब्ज़ी छानने वाली, जिसमें सब्ज़ी भी होते हैं। अब इसको निकाल लेंगे, देख सकते हैं इसमें उबाल नहीं आ रहा है, सिर्फ भाप बनी है। थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे, इसी साथ साथ जहाँ अचार ख़राब नहीं होगा वैसे डालते हैं तो इसका बहुत टेस्ट आता है, मतलब अजीब से ही थोड़ा सा लगता है विनेगर वाला, तो इसलिए इसी के साथ डालेंगे तो उसका टेस्ट भी नहीं आएगा, अचार भी आपको ख़राब नहीं होगा। एक बार मेरे तरीके से बना के देखना। अब छत पर लेके आ गया, मैंने सारा फैला दी हूँ। मिर्ची भी रख दे रही हूँ, सूख जाएगी। उठा के लेके आ गई, 3-4 घंटे बाद लेके आए। सर्दी में धूप कम होती है इसलिए सुखाना टाइम तक है, आप तुरंत भी बना सकते हो। मैंने पहले भी अचार की भी बनाई थी, तुरंत बनाई थी, ख़राब नहीं होता। तो एक बड़े से बर्तन में लेंगे इसको, आप इसमें सरसों सौंफ मेथी राई कलौजी सब कुछ घर पर थोड़ा सा भून के दरदरा पीस के बना सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं कर रही हूँ। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, क्या मसाला डालेंगे वो दिखाते हैं। तो थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर तीखा के लिए, हरी मिर्ची डाली हूँ, फिर भी थोड़ा सा पाउडर डालने से कलर अच्छा आता है। तो मैंने अचार वाला मसाला लेके आई हूँ, मेरे पास मिल गया दुकान पे पूछे तो, लेकिन आम के अचार वाला है। आम का अचार में भी वही डालते हैं, ये सब में वही डालते हैं, धनिया मिर्ची जो डालते हैं सब। तो मैंने वही मसाला लेके आई हूँ, मिक्स करेंगे। आपके पास मिलता है तो ले लो, 40-45 रुपये में आया। मैंने सिंघाड़े के भी अचार बना ली, उसमें इसका भी बना ले रहे हैं। अभी बचा है थोड़ा सा, बाद में फिर बना सकती हूँ अगर बनाना चाहूँगी तो, बनाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। मटर वाला अचार अच्छा लगता है, मटर मिक्स कर जब बनाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा भी मसाला रखी हूँ। इन अचारों में मसाला तेल ज़्यादा नहीं लगता, तेल तो लगता है लेकिन मसाला नहीं लगता। ज़्यादा दिन रखना है तो तेल डालना पड़ेगा, अगर 1-2 महीने में ख़त्म करना है तो फिर थोड़ा सा तेल में बस हो जाएगा काम। तो चलो ये भर के पूरा दिखाते हैं, मैंने पूरा अचार भर दी हूँ। आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में, और लाइक सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में होता है। कमेंट बताना कहाँ से आप देख रहे हो।